अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वंस अगेन वी आर हियर विद अनदर व्लॉग। सो बॉस सीन ऐसा है कि इस वक्त हम मौजूद है हडसवील के अंदर और जुम्मे की नमाज का टाइम हो गया है, नमाज के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कामरान भाई। अच्छा भाई, सीन ऐसा है कि बारिश हो रही है, हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। मस्जिद जो है आज हनफिया है और बेसिकली हडसवील के अंदर कोई 17-18 मस्जिद है हमारे अराउंड, तो उसी तरफ जा रहे हैं। इसकी रिक्वेस्ट जो है वो एक भाई की तरफ से आई थी और वो काफ़ी टाइम से कर रहे थे और मैं जो है बहुत ज़्यादा स्टक था चीज़ों के अंदर, मामलात के अंदर। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ्री वगैरह हुआ तो मैंने कहा आज का दिन थोड़ा सा ऑफ है तो उस तरफ चलते हैं। अब सीन ये है कि अभी तो हम चल रहे हैं मस्जिद की तरफ, हमारे साथ है कामरान भाई। कामरान भाई जो है न्यू स्टूडेंट है, ही इज़ फ्रॉम कराची और इन्होंने जो है बैचलर करा हुआ है सिविल के अंदर और MSc प्रोग्राम में है। इसके अलावा NET की ग्रेजुएट हैं और बैचलर कंप्लीट करने के बाद जो है इन्होंने तकरीबन 4.5 साल उसके ऊपर काम करा और फिर जो है वो यहाँ पर आए। और फर्दर जो है कामरान भाई खुद शेयर करेंगे अपनी जर्नी और यहाँ पे आने का रीज़न और फर्दर क्या गोल्स हैं इनके, एम्बिशंस हैं और आगे क्या करने की ज़रूरत है, कितने दिन यहाँ पर हो गया, एक्सपीरियंस कैसा है, फिर गोना शेयर अवे था। मीन वाइल जो है मस्जिद की तरफ है, जुम्मे का दिन है, दूर शरीफ को कसरत होनी चाहिए। बाकी चलते फिर तक फर्दर बात करते रहेंगे, ठीक है बॉस। अच्छा जी, सीन ये है कि जहांगीर साहब जो है हमारे वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं अपना लाहौरी टेस्ट के ऊपर और हम अभी उन्हीं के पास जा रहे हैं, वहाँ से फिर आगे मस्जिद की तरफ जाएंगे। तब तक जुड़े रहें, बने रहें और मीन वाइल जो है कामरान भाई अपनी स्टोरी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाम कामरान अफरीदी है और मैं यहाँ पे मुझे तकरीबन 2 दिन हुए यहाँ आए हुए और मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे जैसे ही लैंड किया तो मोनिस भाई ने मुझे पिक किया और तब से माशाल्लाह मेहमान नवाजी में लगे हुए हैं। मेरा फर्स्ट जुम्मा है यहाँ पे UK में। लेट्स सी क्या होता है। मस्जिद की तरफ हम लोग रवाना था। बाकी जो आपके पहले क्या तासुरात थे मसाजिद के हवाले से यहाँ पे? मेरे तासुरात ये थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मस्जिद यहाँ पे मिलेगी नहीं, यानी बस इसमें ट्रैवल करके जाना पड़ेगा दूर दूर जुम्मे की नमाज़ के लिए। लेकिन जब मैं आया तो मोनिस भाई ने बताया कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 17 मस्जिद है, जो सुन के बड़ी खुशी हुई। चलो के लिए इनका इशू ये था कि इनको पीछे से ऐसा बोला गया कि भाई जर्मनी और इटली की तरफ जो है ना वहाँ मस्जिद नहीं है और आधे घंटे की ट्रैवलिंग करके बस और ट्रेन लेके जाना पड़ता है, तो होता है बेसिकली इस साइड वैसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड किस्से के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मसाजिद और ज़्यादा हैं, तो मैं बस वही शेयर कर रहा था। और आज पहली मस्जिद इनको दिखाएंगे इंशाल्लाह, फिर सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो आज मेरा फर्स्ट टाइम है मस्जिद की तरफ, मतलब मैं मस्जिद पहली बार देखूँगा UK में एंड लेट्स सी क्या तासरात रहते हैं फिर। क्योंकि मेरे जो ख्याल थे मसाजिद को लेके UK की वो थोड़े गलत थे, जो कि अब शायद सही साबित हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी मुस्लिम्स भी हैं और चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं। एक नमाज मैंने पढ़ी है वो यूनिवर्सिटी के हडर्सफील्ड की मस्जिद में, अच्छा लगा। जी हाँ, मल्टा फेथ सेंटर है जो कॉक्स। और दूसरी अभी मैं ये जा रहा हूँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, तो इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के आपको बताएंगे क्या तासरात हैं। बारिश तेज़ हो चुकी है। फिर ऐसा है कि हम दौड़ रहे हैं आगे की तरफ। हमने कहा था हमें कहते हैं जहांगीर भाई को उठाना है, अब जहांगीर भाई वो रहे लाहौर टेस्ट के बाहर खड़े हैं। अच्छा भाई, हमने जहांगीर भाई को कहा आप यहाँ आ जाओ, जहांगीर भाई बोलते बाबा यहाँ ना हो, हमने जाना वहाँ है, आप वहाँ आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है भाई हम आ जाते हैं, क्या करें बड़े लोग हैं ना, मान लेते हैं। हाँ जी जहांगीर भाई कैसे हैं आप? जवाब दीजिए जहांगीर भाई कैसे हैं? अच्छा भी ये अपने साथ हैं जहांगीर भाई। जहांगीर भाई आ चुके हैं, अब जहांगीर भाई रिपोर्ट देंगे क्या सीन है वो। जहांगीर भाई हाँ, 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट कैसे ट्रेवल करेंगे? भाजन वहाँ पे नमाज की टाइमिंग है आपको नहीं पता, काम नमाज की टाइमिंग थोड़ी आगे की है, हाफ पास 12 की नहीं है वहाँ की टाइमिंग, वहाँ की नमाज की टाइमिंग दूसरी है, हाफ पास 12 नहीं है, हमारा टाइमिंग देखते हैं।
सर स्टिल वी हैव 25 मिनट्स, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। नहीं नहीं हडर्सफील्ड नहीं, मस्जिद की टाइमिंग की बता रहा हूँ, जुम्मे की टाइमिंग अलग है वहाँ की। जी जी अच्छा जहांगीर भाई कैसा फील कर रहे हैं आप? आप कितनी देर से यहाँ पे खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं? थोड़ा अपना 15 मिनट हो गए, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें, बातचीत करें, हम मुलाकात करते हैं। कैसा इंट्रोडक्शन दूँ यार भाई? बैकग्राउंड की आवाज़ थोड़ा सा निगलेक्ट करेगा, वो झाड़ियाँ वाड़ियाँ काट रहे हैं, गार्डनर है तो उसकी वजह से आवाज़ आ रही है। यहाँ पे हाथों से नहीं मशीनों से कटी जाती है, तो बस वही चल रहा है। बाकी सीन ऐसा है कि भाई अपने को कहता है नमाज निकल जाएगी, हमने कहा बाबा 1:15 अड्डा सीट की कौन सी मस्जिद में कितने बजे नमाज है, अलहमदिल्ला सब पता है। तो बस इनको ज़रा टाइमिंग वाइमिंग दिखाई तो भाई को थोड़ा सा यकीन हुआ, उससे पहले तक भाई अपना यकीन नहीं करता था। सीन ये है कि मस्जिद जा रहे हैं, ठीक है, हमने कहा कि इनको बात कर ले, इन्होंने कहा नहीं बाबा बात नहीं करनी अभी, इन्होंने कहा हमको शर्म आ रहा है, हमने कहा ठीक है भाई नहीं करो, हम कर लेते थोड़ी सी, अपने भी लोग हैं ना थोड़े से। अच्छा जी सीन ये है कि जनवरी इनटेक है, क्लासेस स्टार्ट होंगी तकरीबन 8-9 से, इनरोलमेंट वगैरह सब कुछ होने के बाद, उस इनरोलमेंट के बाद जो है ना क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगे। उससे पहले ये है कि ठंड वगैरह इन सब चीज़ों के लिए विंटर के लिए आते हुए अपने साथ हल्का फुल्का सा सामान लेकर आइए। यहाँ पर आ गया वो सेफ्टी शूज़ और जैकेट वगैरह ले लें, क्योंकि वो यहीं पे आपको सही मिलेगी वेदर के हिसाब से। बाकी अगर आप पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं तो उस टाइप की नहीं मिलेगी, यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी होती है वो फिर आप यूके में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी हो, वहाँ पे मेंशन करा होता है कौन से टेम्परेचर के लिए कौन सी चीज़ है, तो वो बहुत अच्छी होती है, बहुत हेल्प आउट होता है परचेजिंग के लिए। और एक और चीज़ भी है कि जब भी कोई चीज़ खरीदने वगैरह जाएँ तो चौथा क्रमांक पढ़ लें आप, डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है और आपको समझ आता था क्या चीज़ लेनी, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जब सिलेक्शन ज़्यादा हो ना तो फिर चॉइस करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्यों कमरान में ऐसे ही है भी। तो वो आपको हेल्प आउट करेगा। बाकी जुम्मे का दिन है, सूर्य कहब की कहते हैं तिलावत करनी है, गुसल करना है और मिसवाक वगैरह का यूज़ करना है, और उसके अलावा जो है दुरूद शरीफ की कसरत करनी है। बाकी कुछ दूसरा हो तो बताते हैं। अच्छा भाई सीन ऐसा है कि हम पहुंच चुके हैं मस्जिद ऑलमोस्ट देयर, और ये मस्जिद के बाहर का हिस्सा है। हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं ओवैस साहब, उन्होंने कहा कि भाई जान मस्जिद को देख लेना, कवर करना। हमने कहा ठीक है इंशाल्लाह वॉश करेंगे, मौका और टाइम मिला तो, आज मिला था तो अल्हम्दुलिल्लाह आए यहाँ पर। जहांगीर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, कामरान भाई मौजूद हैं, तो ये लोग अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे इंशाल्लाह, हम अपना बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एक बार फिर से ब्लॉग के अंदर हाजिर है। जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है, नमाज दुआ वगैरह सब कुछ हो चुकी है। मस्जिद माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, इमाम साहब भी बहुत अच्छे थे, उनसे भी मुलाकात हुई, चीज़ें वगैरह डिस्कस हुई, बताया कौन हूँ क्या हूँ क्यों, वजह क्या है वीडियो बनाने की और सब कुछ। सो ये अप्रिशिएट दैट के सदका जारिया की नीयत है, और बच्चों को बताने के लिए, स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि मस्जिद यहाँ पे अराउंड में है और क्या क्या मामला होते हैं मस्जिद के अंदर।
इन डिटेल बात करने का मौका नहीं मिला, बट इंशाल्लाह फिर कभी अगर मिला, मौका मिला तो ज़रूर बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि चीज़ें थी जो स्टूडेंट्स के हवाले से होती हैं। सो मेरा इरादा था कि उन चीज़ों को सामने रखो, तो उसके ऊपर फीडबैक आएगा तो वो जो है लर्निंग पर्सपेक्टिव से और चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। बाकी हमारे साथ जो है कामरान भाई और जहांगीर भाई मौजूद हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मस्जिद के हवाले से, क्योंकि हम HD1 से हैं और ये आई थिंक पता नहीं कौन सा है, जो उसको चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो एक्सपीरियंस ऐसा था कि पहले तो वही कराची वाली वाइब्स आ रही थी, मस्जिद है वही, जैसे आप शुरू करते हैं से, उसके बाद देन अरबी में खुतबा हुआ, सुन्नतें पढ़ी अरबी में खुतबा हुआ, उसके बाद जमात हुई, सुन्नतें पढ़ी, फिर वही हमारा क्या कहते हैं उसे सलातो सलाम हुआ। फिर एक जो एक चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो ये थी कि जो एंड पे मोस्टली आपने देखा होगा कराची में मस्जिदों में दुरूद सलाम पढ़ते हैं दानों पे, किसी तस्बीह वगैरह करीमा तस्बीह वगैरह, वो देखने को मिला, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रीते में सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन नज़र आ गई, तो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, अपार्ट ऑफ इट मस्जिद वगैरह कैसी थी, लोगों वगैरह सब, इमाम साहब का जो मिलना, मस्जिद बहुत अच्छी बनी हुई थी, इमाम साहब का मिलना मिलाना बहुत अच्छा था, काफ़ी मतलब बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे, ओपिनियंस ले रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे जैसे कि, तो इमाम साहब काफ़ी अच्छे लगे और लोग भी अच्छे थे। मस्जिद बहुत माशाल्लाह खूबसूरत बनी हुई थी, अंदर से हर फैसिलिटीज़ मौजूद थी। अच्छा जी, ये हमारे साथ है जहांगीर साहब, जहांगीर साहब कुछ कहना चाहते हैं? इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस यहाँ पे, हमने मस्जिद कौसिया देखी है और मस्जिद उमर देखी है, मस्जिद अभी हंतिया पहली बार आए और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मस्जिद अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छा अंदर से बहुत अच्छी बनी हुई है, वजू खाना ऊपर वाले साइड पर था वो भी अच्छा था बना हुआ था, और ओवरऑल काफ़ी मज़ा आया। अच्छा जी, सीन ऐसा है कि कामरान मैंने अपने कहते वर्ड्स शेयर कर दिए और जो जहांगीर साहब हैं, जहांगीर साहब कुछ बात करने नहीं चाहता, उन्होंने कहा बाबा हमारा मौन विरासत है तो हम बात नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है भाईजान, और अब इस वीडियो को करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जुम्मा इन मस्जिद हनफिया, और कामरान भाई का पहला जुम्मा था तो उनका एक एक्सपीरियंस शेयर हो रहा था। सो जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे एक गुजारिश और रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, किसी भी हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो या कोई और हो, क्वेरी हो और यू वॉन्ट टू नो अबाउट एनी थिंग, जस्ट लेट मी नो वंस। एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी क्या है अपनी तरफ से राय कायम ना करें, अगर कोई चीज़ हो कुछ चीज़ हो तो उसको डिस्कस करें और जो करंट सोर्सेज होते हैं उसके ऊपर बात करते हुए, आई मीन जो हम कहते हैं ना प्रॉपर रिसोर्सेज या अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन हो तो उसको शेयर करा जाए। और यहाँ पर एक चीज़ बोली जाती है कि रेफरेंस दिया जाए उस चीज़ का, ताकि उस बात की कोई हकीकत हो, सो ताकि वो समझ लें के अंदर और आगे शेयर करने में आसानी हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन विच वी हैव टू फोकस, और सो दिस इज़ ऑल अबाउट। बाकी आपने लाइक शेयर और कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप न्यू हैं, बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज। अच्छा भाई, सीन ऐसा है कि नमाज़ पढ़ ली है, फीडबैक भी आपके साथ शेयर कर दी है, क्या मामला है सब कुछ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मस्जिद हनफिया, जो हमारे घर से तकरीबन कुछ 32 मिनट्स की वॉक थी, HD1 हमारा था और ये भी HD1 के अंदर ही बस 32 मिनट्स की वॉक है। सो दिस इज़ अलाबाद दी मस्जिद हनफिया, जुम्मे का एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। बाकी हमारे साथ जो है कामरान भाई मौजूद हैं, कामरान भाई अपनी जर्नी जो है वो शेयर करेंगे कि इन्होंने बैचलर करा था, देन ही वर्क 4.5 ईयर इन कराची, देन ही केम फॉर द मास्टर्स। सो रीज़न क्या था यहाँ पे आने का, और वहाँ पे 4.5 साल जो काम करा और कहाँ पे था, उसका एक्सपीरियंस कैसा था। बाकी जो इनकी फर्स्ट डिग्री है वो NET से, सो ही गोना शेयर हिज एक्सपीरियंस विद अस। इसके बाद हम फर्दर जो है एक पॉडकास्ट भी करेंगे इनके साथ, जिसके अंदर इन डिटेल बात होगी, अभी तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपना, इसके बाद फिर इंशाल्लाह उसके अंदर डिटेल में जाएंगे पॉडकास्ट के अंदर, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और स्टडी पर्पस और पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए भी इंशाल्लाह। ठीक है, हियर यू गो कामरान भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया कि मैं NET का ग्रेजुएट हूँ, 2019 बैच सिविल इंजीनियरिंग, और उसके बाद मैंने 4.5 इयर्स का तकरीबन एक्सपीरियंस है मुझे प्रोफेशनल लाइफ में। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि चलो मास्टर्स भी कर लेना चाहिए, तो मैं फिर इधर आ गया हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी। हडर्सफील्ड में मेरा कोर्स है MSc कंस्ट्रक्शन मैनेजर,
दो दिन हुए मुझे अलाइंड हुए हैं। बाकी डिटेल में हम आपको पॉडकास्ट में बताएंगे मुसिन भाई मोनिस भाई के साथ। और दो दिन हुए अभी फिलहाल तो तकरीबन अच्छा एक्सपीरियंस है, आगे का किसी को नहीं पता, होपफुली अच्छा ही होगा। और जो पर्सपेक्टिव ये था मसाजिद को लेके वो ये था कि मिलेगी नहीं मिलेगी, मसाजिद होगी नहीं होगी, लेकिन वो क्लियर हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत सारी मस्जिद से अभी रास्ते में भी आते आते भी एक मस्जिद हमें मिली, बहुत सी मस्जिद उसका नाम था लेकिन वो बंद थी, नमाज नहीं पढ़ पाए तो असर की नमाज़ के लिए अब हम कोई तीसरी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए। सो अभी तक इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे दूसरे ब्लॉग के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।